प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रेरणा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए कार्यक्रम गलत काम। रवि आठवीं कक्षा का छात्र था, बड़ा होशियार और तेज, पढ़ाई में भी और बाकी सब चीजों में भी। खेलों में तो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, खासकर साइकिल दौड़ में तो वो हर साल जिले में प्रथम आता था। इस बार भी जब वो प्रथम आया तो भरी सभा में उसकी प्रशंसा हुई। भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि दीनदयाल जी का सुपुत्र रवि हमेशा की तरह साइकिल दौड़ में अव्वल आया है। हम सब की तरफ से रवि को बधाई हो। आप रवि मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करो। रवि ने पुरस्कार ग्रहण किया, उसे बहुत अच्छा लगा। पुरस्कार ग्रहण करने पर घर में उसकी छोटी बहन बिंदु उससे बोली, भैया भैया मुझे भी साइकिल चलाना सिखा दो। अरे क्यों, तू क्या करेगी साइकिल चलाकर? तुम्हारे से मुकाबला करूंगी और पहले नंबर पर आकर इनाम जीतूंगी। अच्छा ये बात है, तो मैं नहीं सिखाता तुझे साइकिल चलाना। अच्छा मैं किसी और से सीख लूंगी साइकिल चलाना। हाँ नहीं तो, मगर अगली बार इनाम मुझे ही मिलेगा। देखता हूँ तुझे साइकिल चलाना कौन सिखाता है। मैं उसे मना कर दूंगा कि वो तुझे साइकिल ना सिखाए। रवि, मैं और तुम्हारे पिताजी काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। तुम बिंदु को साइकिल क्यों नहीं सिखाते? उसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो माँ, आप, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप यहाँ खड़ी हैं पिताजी के साथ। मुझे पता होता कि आप यहाँ खड़ी हैं तो मैं बिंदु को ये सब नहीं कहता। देखो रवि बेटा, जो बात ठीक नहीं है वो नहीं है, चाहे तुम हमारे पीछे कहो या हमारे सामने। कुछ समझ में आया? जी। रवि समझा तो जरूर, मगर शायद वो अपने पिताजी से सहमत ना हुआ। खैर, रवि की बहन बिंदु ने तो यूं ही कह दिया था कि वह साइकिल चलाना सीखना चाहती है, जबकि साइकिल चलाना सीखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। सो रवि बिंदु की तरफ से बेखबर हो गया और उसे पक्का विश्वास हो गया कि अगली बार भी साइकिल दौड़ में प्रथम आने पर उसे ही पुरस्कार मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बिंदु ने रवि को एक खबर दी तो वो चौंक पड़ा। बिंदु बोली, भैया भैया आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैंने उस लड़के को देखा जिसे अगली बार साइकिल दौड़ में इनाम मिलने वाला है। देख, तू फिर लगी मुझे छेड़ने। मैं छेड़ नहीं रही हूँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। क्या सच कह रही है? यूं भला मुझसे तेज साइकिल कौन चला सकता है? भैया मैं ना छेड़ रही हूँ ना ही मजाक कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आज सड़क पर एक आदमी किसी का बटुआ लेकर स्कूटर पर भाग रहा था, तब उस लड़के ने क्या नाम था उसका, अशोक ने साइकिल पर उस स्कूटर वाले लड़के का पीछा करके उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हेलो, इससे ये कैसे लगा तुम्हें कि उसे अगले साल साइकिल दौड़ में इनाम मिलेगा? अरे उसने साइकिल इतनी तेज चलाई और स्कूटर पर भागते लड़के को पकड़ कर दिखाया। क्या तुम स्कूटर जितना तेज साइकिल चला सकते हो? वो हाँ हाँ, क्यों नहीं चला सकता। वैसे ये अशोक कौन है? हमने तो कभी उसका नाम पहले नहीं सुना। हाँ याद आया, उसी ने मुझे बताया था कि वो लोग कल ही इस मोहल्ले में रहने आए हैं। पहले वो दूसरे शहर में रहते थे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल ही उससे मिलवा दूंगी। अच्छा तू कहती है तो मिलवा देना।
इसके बाद रवि को अगले दिन बिंदु ने जब अशोक से मिलवाया तो उसका माथा ठनका। अशोक ने उसे साइकिल चलाकर दिखाई। रवि हैरान रह गया। सचमुच अशोक बड़ी तेज साइकिल चला लेता था। अब तो रवि सचमुच परेशान हो उठा। उसे लगा कि अगली बार साइकिल दौड़ का पहला इनाम अशोक ही ले जाएगा। इस ख्याल से रवि उस रात सोया ही नहीं। नींद में उसे लगा कि बिंदु उसे कह रही है। क्यों रवि भैया, अशोक आपसे तेज साइकिल चलाता है कि नहीं? क्यों, इस बार इनाम उसे ही मिलेगा कि नहीं? इस बार इनाम उसे ही मिलेगा, अशोक को ही मिलेगा, अशोक को ही मिलेगा। नहीं, रवि चीख कर उठ बैठा। फिर उसने फैसला किया कि वो अशोक को किसी भी तरह जीतने नहीं देगा। समय आने पर साइकिल दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस बार उसमें अशोक ने भी भाग लिया, मगर अशोक का दुर्भाग्य, अशोक इनाम प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि दौड़ के बीच में ही उसकी साइकिल पंक्चर हो गई और वह दौड़ में हार गया। इस बार भी रवि ही जीता। रवि को फिर पुरस्कार मिला। घर पर माँ और पिताजी ने उसे बड़ी शाबाशी दी। वाह बेटा, शाबाश, तुमने फिर पुरस्कार जीतकर हमारा नाम रोशन कर दिया। रवि बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहते हो? पिताजी, मुझे नई साइकिल ले दीजिए। हाँ हाँ, जरूर ले देंगे, कल ही बाजार चलेंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। इसके बाद माँ और पिताजी बाहर चले गए। रवि ने देखा कि बिंदु कुछ सोच रही है। रवि ने पूछा, बिंदु क्या बात है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? क्या मेरा इनाम जीतना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? क्यों नहीं अच्छा लगा भैया, मगर मैं अशोक के बारे में सोच रही हूँ। अगर उसकी साइकिल में पंक्चर ना होता तो इनाम उसे ही मिलता। उसे इनाम कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैं उसे इनाम लेने ही नहीं देता। अरे, तुम उसे कैसे रोक सकते हो? जैसे अब रोका इनाम लेने से। क्या मतलब? मतलब ये कि अशोक की साइकिल में कील मैंने ही चुभोया था, तभी तो दौड़ते ही उसकी साइकिल में पंक्चर हो गया। क्या, ये तुमने किया था? छी छी भैया, ये तो गलत बात है। कौन कहता है गलत बात है? मेरा मतलब है, कौन कहेगा कि गलत बात है? मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। और अगर तुम्हें किसी ने साइकिल में कील चुभोते देखा हो तो? नहीं देखा, मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ देखकर ही साइकिल में कील चुभोया था। चारों तरफ कोई नहीं था। ये गलत काम करते मुझे किसी ने नहीं देखा, तब मुझे कोई गलत कैसे कह सकता है? कौन कहता है कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा? तुमने खुद तो देखा है अपने आप को। यह सुनकर रवि सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि बिंदु जो कह रही है क्या वो सही है। श्रोताओ, क्या आप रवि की मदद कर सकते हैं? क्या रवि ने सचमुच गलती की? अगर हाँ तो वो क्या गलती थी? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि छुप कर की गई गलती, यानी वो गलती या वो अपराध, अपराध नहीं होता जिसका कोई गवाह ना हो? अगर आप रवि की जगह होते तो क्या आप भी वही करते? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? इसके अलावा ये भी बताइए कि रवि अपनी बहन को साइकिल क्यों नहीं चलाने देना चाहता था? क्या कारण था कि रवि कोई और इनाम जीत सकता है ये जानकर भी नींद में परेशान हो उठा? खेल भावना क्या होती है? जी हाँ, इन सवालों का हल सोचिए और अपने माता पिता, मित्रों तथा अध्यापक से इनकी चर्चा कीजिए। गलत काम, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार शांति एस कालरा, बाबला कोचड़, सुनीति कोहली, यमन कौशिक एवं मालती कौशिक, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, ध्वनि अंकन सतीश लाड़े एवं उपेंद्रनाथ,
ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, परियोजना परिकल्पना, विषय संयोजन, आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर। प्रेरणा जगत, ये श्रृंखला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई।